नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। आज मैं बात करती हूं कोरोना कहर की इस विकट परिस्थिति में विशाल मेगा मार्ट के प्रबंधन द्वारा महिला ज्वेलरी संचालिका की शॉप को जबरदस्ती बंद कराने के खिलाफ वाराणसी व्यापार मंडल ने खोला मोर्चा, तो महिला को मिला न्याय, मॉल का मैनेजर गया जेल। खबर है कि वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के निर्देश पर आईटी सेल के अध्यक्ष संतोष सिंह व पूर्वांचल महिला मंडल की अध्यक्ष सविता सिंह के नेतृत्व में मंच की महिलाओं के मोर्चा खोलने के बाद पूर्व एमएलसी विनय सिंह के कथित धमकी भरे फोन से मचा हड़कंप, मॉल का मैनेजर रमेश सिंह गया जेल। क्लाउन टाइम्स ने जब इस पूरे मामले की पड़ताल किया तो ज्ञात हुआ कि मॉल का मैनेजर रमेश सिंह जरायम की दुनिया में अपना दबदबा रखने वाले पूर्व एमएलसी विनय सिंह का भाई बनकर वाराणसी व्यापार मंडल आईटी सेल के अध्यक्ष संतोष सिंह को धमकी भरा फोन करते हुए कहा कि अगर विशाल मेगा मार्ट में कभी गए तो गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। हेलो, विनय सिंह का भाई जी बताएं। ये जो है, ये वहाँ पे हमारा एक लड़का रहता है, घर का लड़का है रमेश सिंह। जी जी, उससे आप बदतमीजी कर रहे हैं? किस तरह की बदतमीजी? हाँ, यही जा करके वहाँ जबरदस्ती काउंटर खुलवा दिए। अरे, आपका शुभ नाम? विनय सिंह बोल रहे हैं, विनय सिंह का भाई। भैया एक बात बताइए, हाँ, किसी के यहाँ कोई काउंटर जबरदस्ती खुलवा सकता है? आप बताओ जरा। नहीं, आप वहाँ गए थे कि नहीं गए थे? हाँ नहीं, गए थे, बिल्कुल गए थे, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या है, विशाल मेगा मार्ट में एक महिला का काउंटर पिछले 10 सालों से चल रहा है। हाँ, वो क्या मतलब था? हमारी व्यापार मंडल की वो सदस्य है, मैं व्यापार मंडल आईटी सेल अध्यक्ष संतोष सिंह बोल रहा हूँ। वो तो कह रहा था कि वहाँ के व्यापार मंडल ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश व्यापार मंडल के अध्यक्ष होंगे, मैं वाराणसी व्यापार मंडल का अध्यक्ष संतोष सिंह बोल रहा हूँ। आईटी सेल अजीत सिंह बग्गा हमारे अध्यक्ष हैं, पूर्वांचल महिला मंडल सविता सिंह हमारी महिला मंडल सदस्य प्रिया सिंह के साथ मैं सविता सिंह गए थे। बोजूबीर में इकलौता एक ओम प्रकाश सिंह दारू पी के सारा दिन चल ही रहते हैं व्यापार मंडल के नाम पे। उनको सिर्फ वो अकेले अपने आप को कहें कि मैं हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मौके पे कचहरी के चौकी इंचार्ज वहाँ मौजूद थे, दीनदयाल उपाध्याय जी। अभी हम जो कह रहे हैं, नहीं, आप आपकी बिल्कुल सही बात है, इस तरह से बात करते उस महिला को कहेंगे नहीं। जो वहाँ पे दुकान खोल के जो महिला एक विडो बैठी हुई है उसको तंग ना करें वो लोग, बस हम लोग को कौन सा जाके वहाँ गुंडई करनी है। एक महिला जिसके खाने के बिना भूखी मर रही है उसको वो बोल रहे हैं कि आप दुकान मत खोलिए। आप क्यों फोन कर रहे हैं मेरे को? आपके आदमी है इसलिए ना, मेरे से तो आपकी कोई दुश्मनी है नहीं। आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार कुछ हैं तभी आप मेरे को फोन कर रहे हो ना। आप उसको बोलिए, जहाँ आप व्यापार मंडल आप जहाँ चला रहे हैं वहाँ पे उसको हमारा ऐसा है ना सर, हमारा व्यापार मंडल बनारस के अलावा पूर्वांचल भर में एक्टिव है। ऐसे ना किसी को आप थोड़ी अपने यहाँ रोक सकते हैं कि उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे, उसका सामान निकाल के बाहर फेंक देंगे आदेश है। ऐसा है ना सर, आपकी इस बात का मैं अन्यथा तो नहीं लूंगा, लेकिन एक चीज बता दीजिएगा, हमारे किसी भी आदमी को कोई परेशानी होगी तो हम हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, जिसको गोली मरवानी है मरवा दे सर, कोई दिक्कत नहीं है। घर का लड़का है वो? हाँ, आपके घर का लड़का है, बोल दीजिए कि मेरा भी भाई है। लेकिन ऐसे नहीं है कि किसी को ऐसे कहते, आप बोलो रिकॉर्डिंग निकाल के दिखा दे आपको कि आपका गलत हुआ किसी लड़के के साथ। तो आप कह रहे हैं कि आपके आदमी को गलत बोला, आपके पहले आदमी को इतनी देर की बात में मैंने आपको 2 लाइन की बात करी कि आप पहले फोन पे उस आदमी को लाइन पे लीजिए, उसको बोलिए कि उसके साथ जो बदतमीजी वो कह रहा है उसके पास रिकॉर्ड में वहाँ कैमरे लगे हैं, बाहर सड़क पे तो बात हुई नहीं। हाँ बिल्कुल सही, उसको बोल दीजिएगा कि वो भी दूसरे के फटे में टांग ना अड़ाए। उपरोक्त घटना पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने तत्काल वाराणसी के एसएसपी अमित पाठक को सूचना देने के साथ ही स्वयं महामंत्री प्रमोद अग्रहरी, सन्नी जौहर, संजय गुप्ता, मनीष गुप्ता व महिला मंडल की अध्यक्ष सविता सिंह के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। एसएसपी साहब के निर्देश के बाद वाराणसी कैंट थाने में मॉल के मैनेजर अमृत सिंह व रमेश सिंह तथा अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के पश्चात पुलिस हरकत में आई और पूर्व एमएलसी के नाम पर धमकी देने वाले मैनेजर रमेश सिंह को देर रात्रि में ही गिरफ्तार कर लिया गया।
वाराणसी के ग्राम तेवर थाना चोलापुर निवासी आरोपी रमेश सिंह ने अपनी गिरफ्तारी के बाद स्वीकार किया कि उसी ने अपने नंबर से पूर्व एमएलसी के नाम पर व्यापार मंडल के नेता संतोष सिंह को धमकी भरा फोन कराया था। खबर है कि विगत कई वर्षों से विशाल मेगा मार्ट के अर्दली बाजार शाखा में प्रिया सिंह नाम की महिला आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान चला रही थी, जिसे मॉल के मैनेजर अमृत ने लॉकडाउन के बाद यह कहते हुए दुकान खोलने से मना कर दिया कि पिछला किराया चुकता किए बिना शॉप खोलने की अनुमति नहीं है। मॉल संचालकों के इसी अमानवीय और गैर कानूनी फरमान के खिलाफ वाराणसी व्यापार मंडल की महिलाओं ने बाकायदा कचहरी चौकी इंचार्ज को साथ लेकर मौके पर पीड़िता के साथ मॉल में पहुंचकर इस बात के लिए अड़ गई कि जब तक दुकान नहीं खुलेगी वे पीछे हटने वाली नहीं है। इस पूरे मामले में क्लाउन टाइम्स ने मॉल के मैनेजर अमृत सिंह से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया तो उन्होंने यह कहते हुए बात करने से मना कर दिया कि उन्हें ऊपर से मना है, आप हमारे लीगल सेल्स इंचार्ज से बात करें। मौके पर पहुंची पुलिस ने मॉल संचालकों को समझाया कि असंवैधानिक रूप में दुकान को बंद नहीं कराएं, जो भी विवाद हो उसको कानूनी रूप से सुलझाने की कोशिश करें। अंत में मजबूरन मॉल संचालकों को महिला संचालिका को ज्वेलरी शॉप खोलने की अनुमति देनी पड़ी। आइए जानते हैं कि इस पूरे मामले में व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा, आईटी सेल के अध्यक्ष संतोष सिंह व महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सविता सिंह का क्या कहना है। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में बैठा हुआ हूं और प्रधानमंत्री जी का ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी को शक्ति को मजबूत करो। आज काशी के अंदर एक नारी के साथ विशाल मेगा मार्ट में गलत हो रहा था और उससे ज़बरदस्ती दुकान खाली कराई जा रही थी, बंद कराई जा रही थी, इसको लेके वो लॉकडाउन के बाद से परेशान थी। तो महिला व्यापार मंडल, हमारा पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल और आईटी सेल के संतोष सिंह जी ने जाकर दो या तीन बार वहाँ के मैनेजर से सबसे बात की और उन लोगों ने कहा कि मैं ऊपर बात करके बताता हूँ। और यह प्रकरण 15 दिन से चल रहा था। 15वें दिन जब ये लोग फिर गए तो उन्होंने फिर यही बात कही तो इन्होंने पुलिस बुलवा ली और पुलिस ने कहा कि आपने इनको नोटिस दिया है या क्या किया है, क्यों इनकी दुकान बंद करा रहे। तब महिला ने अपनी नारी ने शक्ति दिखाते हुए पुलिस के साथ मिलकर उसकी दुकान को खुलवाया और दुकान खुलने के बाद ये लोग सबको ही वापस आए और वहाँ पे गए शॉप खोलने तो खोल ही नहीं दे रहे थे। फिर 112 पे हमने कॉल करवाया तो पुलिस आई, तत्काल दुकान खुला सब कुछ। और पुलिस ये भी बोले कि लीगल तरीके से इनको दुकान खाली करें, ऐसे नहीं खाली करें। जैसे ही हम लोग दुकान खुलवा के गए 4 से 5 घंटे के अंतराल में ही कोई फ़ोन आया कॉल, हमारे आईटी सेल के अध्यक्ष हैं संतोष जी, उनको बताया गया कि हम विनीत सिंह के भाई बोल रहे हैं, यहाँ भोजू गिर में दिखाना मत दोबारा, वो भी वो किए। और उसके बाद पुलिस के हम लोग गए, एफआईआर दर्ज कराए, सब कुछ हुआ, पुलिस पकड़ी, बुलाई भी उनको, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे ही मोबाइल से कॉल गया था और 151 में चलान करके कल सुबह छूट दिया। विशाल मेगामार्ट में जो ये प्रकरण 2 दिन पहले हुआ था उसमें यह फर्जी कॉल थी, इसमें विनीत सिंह का कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने मेरे से वार्ता कर इस प्रकरण में पुलिस को भी निर्देशित किया कि उनके नाम का अवैध इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा नाम प्रिया सिंह है, मैं रहने वाली बसेनी की हूँ। सर मेरा वहाँ लॉकडाउन के पहले दुकान खुल रही थी, मेरी शॉप वहाँ 12 साल से है, लॉकडाउन के पहले खुल रही थी। अब लॉकडाउन के बाद जब पूरी मार्केट खुल गई तो मैं जब वहाँ गई खोलने के लिए तो वहाँ के मैनेजर बोल रहे हैं कि शॉप नहीं खुलेगा, ऊपर से आदेश नहीं है। मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। वहाँ के एक मैनेजर रमेश सिंह वो मुझे पहले से ही परेशान करते थे क्योंकि वो मेरे हस्बैंड के रिलेशन में आते थे, इसलिए वो पर्सनल लेके मुझे परेशान करते थे। लेकिन मैं कभी मैं बोली नहीं, इसलिए क्योंकि मुझे मेरी रोजी रोटी वही है और मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं बोलूं, और मेरे दिमाग में ये डर था कि मेरा वो शॉप हटा देंगे अगर मैं उनके खिलाफ़ कुछ बोलूंगी। तो सर मैं जब एकदम से परेशान हो गई तो मैं अपनी व्यापार मंडल के सदस्य हूँ उनका मदद ली, उनसे बोली तो वो मेरा मदद किए, फिर वो आकर मेरा शॉप खुलवाएं। मैं 112 पे कॉल की, पुलिस आई, चौकी इंचार्ज आए, वो लोग कंपनी में बात करके मेरा शॉप खुलवाएं और बोल के भी गए मैनेजर को कि आप लोग बीच में मत पड़िएगा। उसके बाद भी जब वो लोग चले गए तो रमेश सिंह आकर मेरा फ़ोटो खींच रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि देखते हैं तुम कब तक अपना दुकान चला पाती हो।
और मुझे बोलेंगे तुमको हम फोटो लिए और बोलेंगे तुमको देखो कितना हम बदनाम करते हैं। कुल मिलाकर कोरोना कहर की इस विकट परिस्थिति में दम तोड़ रहे रोजगार के चलते भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके रोजगार के लिए लगातार संघर्ष कर रहे वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के निर्देश पर भुखमरी की कगार पर पहुंच चुकी ज्वेलरी संचालक महिला की मदद के लिए महिला व्यापार मंडल की पहल के बाद बनारस के पुलिस प्रशासन के सहयोग से प्रतिष्ठान को खोलने की अनुमति मिलना इस बात की गवाही है कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें।